एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज करना चाहते हो पार्ट टाइम में, आप चाहते हो कि अपनी स्टडीज़ के साथ कोई एक फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज में एडमिशन लिया जाए, तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज है दौलत राम कॉलेज, इसमें फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आप देख सकते हो ये दौलत राम कॉलेज है जो आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो थोड़ा हम जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स, किसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, कब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ आज मैं बताऊंगा। तो अगर मैं टाइमिंग की बात कहूं, इस कोर्स में अगर आप जब एडमिशन लेते हो तो सारी जो क्लासेस है वो 4 बजे से स्टार्ट होती हैं। 60 मिनट की क्लासेस होती है 1 पीरियड में। इसमें सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कराया जाता है, ठीक है ना। और अटेंडेंस की बात करूँ तो ये मिनिमम 67% अटेंडेंस इज कंपलसरी टू टेक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है। मतलब अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का जब एग्ज़ाम दोगे तो 67% अटेंडेंस कंपलसरी, मतलब इसमें आपको क्लासेस जाना पड़ेगा। तो कौन कौन से इसके अंदर आपको सेशन चलेगा, चाइनीज रहेगा, जैपनीज रहेगा, कोरियन रहेगा। और एग्जामिनेशन फॉर्म एंड डेडलाइन के बारे में आपको dr.du.ac.in की, यानी इनकी जो वेबसाइट है दौलत राम की, उसमें पता चलेगा। एडमिशन की बात कहूँ तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके, लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी। जी हाँ, 31 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की है, जो प्रिंसिपल है वो है सविता रॉय, और उनका कॉन्टैक्ट मतलब ईमेल भी दे रखा है, अगर आपको कुछ पूछना हो इस कोर्स के बारे में पूछ सकते हो। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा देख लेते हैं। अगर आप दौलत राम से स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच करना चाहते हो तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। पहला, आप 12 पास आउट होना चाहिए अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपका 12 क्लियर होना चाहिए। और 45% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए एडमिशन अप्लाई के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स के लिए सेम रहेगा, डिप्लोमा कोर्स के लिए आपका सर्टिफिकेट कोर्स पास होना चाहिए, तभी तो आप डिप्लोमा कर पाओगे। कौन कौन से कोर्सेज इसमें कराए जा रहे हैं? इसमें कराया जा रहा है फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा इसका एग्ज़ाम। गैप ईयर केसेस आर रिक्वायर्ड टू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय। अगर गैप ईयर है आपका तो आपको एक एंट्रेंस देना होगा। द फी फॉर द एंट्रेंस एग्जाम विल बी 500 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी, यानी जो इसमें एडमिशन मिलेगा वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इसमें 12th का सर्टिफिकेट लगेगा आप, अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो आपका सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी लगेगी सर्टिफिकेट कोर्स की। एडवांस डिप्लोमा के लिए आपका डिप्लोमा लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो। फोटोग्राफ वगैरह आपका लगेगा। उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर है, एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस। चलो बहुत बढ़िया है, एडमिशन आपका मेरिट बेस होगा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि ये 500 रुपये ये जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हीं को देना होगा जिनका गैप ईयर है, ठीक है। जिनका 1-2 साल अगर गैप है उन्हीं का एंट्रेंस होगा, बाकी अगर आप फ्रेश हो तो आपका सब मेरिट बेस पे एडमिशन आपको मिलेगा। और देयर इज नो एज बार, कोई एज बार नहीं है। एडमिशन विल बी ऑफर्ड ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट एबिलिटी ऑफ सीट्स। स्टूडेंट आर गिवन 2 डेज पे देयर फी ऑनलाइन फिलिंग विद देयर एडमिशन कैंसल्ड। 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा भरने के बाद अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो अपने एडमिशन। ऑल एडमिशन विल बी कम्प्लीट 31 सितंबर तक सारे एडमिशन कम्प्लीट कर लिए जाएंगे। द डेट विल बी एक्सटेंड, सीट्स आर अवेलेबल। डेट एक्सटेंड हो सकती है 31 सितंबर का अगर सीट्स अवेलेबल रहती है तो। और ट्रांसफ़र फ्रॉम द 1 सर्टिफिकेट कोर्स टू अनदर इज़ नॉट परमिटेड। मतलब कि मान लीजिए आप जर्मन करना चाहते हो, जर्मन से अगर आप स्पेनिश में ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। ए फी फॉर रुपीज़ 1000, मतलब 1000 रुपये विल बी डिडक्टेड इफ़ एडमिशन कैंसल विद इन द 2 वीक ऑफ एडमिशन।
मतलब कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, अगर आप एडमिशन एक हफ्ते के अंदर कैंसिल कराते हो तो आपकी 1,000 रुपये की फ़ीस डिडक्ट कर ली जाएगी और 2 हफ्ते बाद आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। फ़ीस पूरी तरीके से ऑनलाइन आप फिल करोगे दौलतराम कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी आपकी 3 लैंग्वेज के लिए 50 रुपये, एडमिशन फ़ीस रहेगी 17,000 रुपये ऑल लैंग्वेज के लिए, और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ीस रहेगी आपकी 510 रुपये फॉर ऑल लैंग्वेजेस के लिए, और इंटरनल एवोल्यूशन के लिए 500 रुपये आपके लगेंगे ओनली फॉर चाइनीज जैपनीज और कोरियन के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम फ़ीस अगर उनके उनके लिए जो गैप ईयर वाले केसेस में 500 रुपये आपको लगेंगे, और यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर फीस जो फ़ी है वो 300 रुपये लगेगी ओनली फॉर स्टूडेंट अदर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब कि अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय से किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये अलग से देना होगा। मान लीजिए आप सोल से हैं, अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी कॉलेज से, तो आपको ये 300 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना। देन उसके बाद अगर सीट्स के लिए भी उन्होंने बता दिया है, तो सीट्स टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है ना। यानी 50 सीट्स इसमें आपको मिलेगी, मेरिट बेस होगा। आपके जो हायर सब्जेक्ट रहेंगे, ये पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज रहेगा, इसमें आप थोड़ा पढ़ लेना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। सिंपली मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, आप दौलतराम कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करो। जो इनकी वेबसाइट का लिंक ही मैं आपको बता देता हूँ, लिंक है इनका www.dr.du.ac.in। इनकी ये वेबसाइट, इस पर विजिट करके आप अपना जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से। और बाकी पूरी तरीके से आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 जुलाई है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।